कोठी मीना बाजार मैदान में राबी इवेंट्स के बैनर तले आगरा महोत्सव चल रहा है। आगरा महोत्सव के मंच पर करवा चौथ व्रत पर्व के उपलक्ष्य में मून ऑन रैम्प फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर अश्विनी सिंह बघेल ने अपनी धर्मपत्नी मधु बघेल के साथ रैम्प पर कैटवॉक किया। कोठी मीना बाजार मैदान में रावी वैंस के बैनर तले आगरा महोत्सव चल रहा है। आगरा महोत्सव के मंच पर करवा चौथ व्रत पर्व के उपलक्ष्य में मून ऑन रैम्प फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अपनी धर्मपत्नी मधु बघेल के साथ रैम्प पर कैटवॉक किया। इस दौरान मधु बघेल ने करवा चौथ पर चलनी में से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को देख व्रत की चलनी रस्म अदा की। मून ऑन रैम्प फैशन में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने पर रावी वैंड्स के निदेशक मनीष अग्रवाल ने उन्हें बुके देकर उनका सम्मान किया। इस दौरान मनीष अग्रवाल ने कहा कि आगरा महोत्सव की ताजनगरी के लोगों में चर्चा है। आज आगरा महोत्सव के करवा चौथ के दिन पर विशेष करवा चौथ का त्यौहार यहाँ पर मनाया गया है और दोपहर को ही महिलाओं ने अपने 16 श्रृंगार के सामान को यहाँ पर काफ़ी किफ़ायती दामों पर खरीदा है। और कल आपने देखा था कि मेहंदी भी इसी ग्राउंड पर 300 से अधिक महिलाओं ने लगवाई और आज मून्स ऑन रैम्प के कैटवॉक फैशन शो के माध्यम से जो कि कपिल आहूजा जी के निर्देशन में यहाँ पर हुआ है, जिसमें कि 16 से अधिक युवा युवतियों ने मॉडल्स ने मून एंड रैम्प्स की थीम पर करवा चौथ की थीम पर जिसमें परंपरागत और वेस्टर्न दोनों का समावेश इस मंच पर देखने को मिला है। और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती मधु बघेल जी ने आज इस रैंप पर कैटवॉक की और यहीं पर आदरणीय बघेल साहब को इस मुक्ताकाशीय मंच पर चलनी के साथ देखा और ऐसा लगा कि जैसे कि आज इस महोत्सव के मंच पर चांद उतर आया है। बहुत ही शानदार आयोजन रहा है और आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि 6 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में अधिक से अधिक आएं और अपने परिवार सहित आनंद लें। आगरा महोत्सव में करवा चौथ पर्व पर शहर भर से ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई आगरा महोत्सव में आकर खुश नजर आया। इस समय जो आप देख रहे हैं आगरा महोत्सव बहुत जोर शोर से चल रहा है। पुस्तक प्रदर्शनी का क्रेज लोगों में ज़्यादा बढ़कर है। यहाँ पर साहित्य के ऊपर बहुत सारे साहित्यकार हैं और साहित्यकारों की प्रदर्शनी जो लगी है, विभिन्न इनकी किताबें लगी हैं, संग्रह लगे हुए हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक सब लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और ये पहली बार हमने आगरा महोत्सव में लगाया था तो हमें लगा कि शायद आगरा के साहित्य से जुड़ना चाहिए और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से साहित्य प्रेमियों को ये सूचना देना चाहूँगा कि ये मेला 6 नवंबर तक यूँ ही चलेगा। प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है, आप आएँ और पूरे मेले का भ्रमण करें। और आज जो करवा चौथ के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई और आने वाले मेले के लिए हमारी शुभकामनाएं कि आप आएं और यहां पर आकर के खरीदारी करें। जो आगरा महोत्सव में बच्चों के मनोरंजन के लिए कई झूले लगाए गए हैं। महोत्सव 6 नवंबर तक चलेगा। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।